छत्तीसगढ़ के रायपुर में लॉकडाउन के दौरान वर्क फ्रॉम होम से 745.58 करोड़ रुपए का सर्कुलर ट्रेंडिंग और बोगस विक्रय दर्शाकर 118.47 करोड़ रुपए की कर चोरी पकड़ी गई है। राज्य कर माल एवं सेवा कर विभाग की इस बड़ी कार्यवाही पर विभागीय मंत्री टीएस सिंहदेव ने अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी है। विभागीय टीम ने जांच में पाया कि राज्य के कुल जो आयरन एंड स्टील व प्लाईवुड के व्यवसाय से जुड़े 14 अस्तित्वहीन एवं अकार्यशील व्यवसाय संलिप्त हैं। इन व्यवसायियों ने बोगस बिल जारी कर राज्य और दिल्ली, केरल, उड़ीसा सहित 13 अन्य राज्यों के अन्य व्यवसायी को 118.47 करोड़ रुपए का गलत आगत कर पास ऑन किया जा रहा था। पर्वतन शाखा द्वारा व्यवसायियों द्वारा पंजीयन के दौरान प्रस्तुत दस्तावेजों से मोबाइल नंबर, पैन नंबर और ईमेल आईडी के आधार पर जीएसटी एवं ईवे बिल मॉड्यूल्स में उपलब्ध टूल्स द्वारा ट्रैकिंग की गई, जिसमें पता चला कि 14 राज्यों में 19 पैन नंबर का उपयोग करके अलग अलग राज्यों में 58 पंजीयन प्राप्त किए गए, जिनमें 21 मोबाइल नंबरों का उपयोग किया गया है। जांच से स्पष्ट हुआ कि कुछ ही व्यक्तियों के द्वारा समस्त बोगस फॉर्म संचालित किए जा रहे हैं। व्यवसायियों के द्वारा प्रस्तुत विवरणियों में क्रय विक्रय संवारों का अवलोकन करने पर पाया गया कि इन व्यवसायियों द्वारा आपस में एक दूसरे को क्रय विक्रय दर्शाकर सर्कुलर ट्रेडिंग की जा रही है। बोगस आगत कर लेने वाले व्यवसायियों के विरुद्ध नियम अनुसार कार्यवाही की जा रही है। विभाग के इस बड़ी कार्यवाही पर मंत्री टीएस सिंहदेव ने खुशी जताते हुए कहा कि 118 करोड़ रुपए के कर चोरी की सूचना मिली है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि पूर्ण डिटेल उनके पास नहीं है, पूरी डिटेल आने के बाद ही मैं कुछ बोल पाऊंगा। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि इसमें जो भी शामिल है उन सभी संस्थाओं के लाइसेंस रद्द कर ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। इसके अलावा अन्य जरूरी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। सबके लिए कानून बनाया और कानून के अंतर्गत ही कार्यवाही की जाएगी। स्टेट जीएसटी विभाग के संयुक्त आयुक्त गोपाल वर्मा ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से सभी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम पर है। हमने इनका ट्रांजैक्शन ऑनलाइन ट्रेस किया है, स्पॉट वेरिफिकेशन करके इन पर कार्यवाही के लिए सभी राज्यों को पत्र लिख दिए गए हैं। करीब 118 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का मामला है, ये कार्यवाही की जा रही है। छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड प्रणय अग्रवाल की रिपोर्ट। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.